साहिल खान जो इंडिया के बॉडी बिल्डिंग को लेकर हिस्ट्री बना चुके हैं। आज के समय में सभी यंगस्टर्स बॉयज़ और गर्ल्स इनके फैंस बन चुके हैं। इनकी ज़्यादातर फोटोग्राफ्स में लड़कियां इनके साथ दिखाई देती है। साहिल खान आज इंडिया के टॉप बॉडी बिल्डर्स में से एक हैं। ये बॉलीवुड के कई फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। इनका गोवा में खुद का जिम है जिसमें आपको सबसे महंगी मशीनें देखने को मिल जाएगी। साहिल का इंस्टाग्राम में 10 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स है। इसके साथ साथ उनका यूट्यूब पे भी चैनल है जहाँ वो अपने लाइफ स्टाइल और वर्कआउट से जुड़ी वीडियोज डालते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम साहिल खान की लाइफ स्टाइल, गर्लफ्रेंड, नेटवर्थ, कार, फैमिली और अर्ली लाइफ के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साहिल खान का जन्म 5 नवंबर 1976 को कोलकाता वेस्ट बंगाल में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। वो बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे। अपनी स्कूलिंग एजुकेशन कोलकाता से पूरा करने के बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। साहिल काफी कम उम्र से ही जिम करना शुरू कर दिए थे और अपनी बेहतरीन बॉडी बनाने के बाद वो अपना करियर बनाने के लिए मुंबई चले गए। शुरुआती दिनों में उन्होंने कई सारे म्यूजिक वीडियो में एक्टिंग किया। इसके बाद उनकी बेहतरीन बॉडी को देख कर उनको जल्दी फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया। तो चलिए अब बात करते इनके करियर की। साहिल ने अपने करियर की शुरुआत एक म्यूजिक वीडियो नाचेंगे सारी रात से की थी। इसके बाद इन्होंने एक और म्यूजिक वीडियो वह लैला में भी एक्टिंग किया जिसे वो फिल्म डायरेक्टर एन चंद्रा के नजरों में आ गए, जिसके बाद इन्होंने इसको अपनी फिल्म स्टाइल में लीड एक्टर के तौर पर साइन कर लिए। ईयर 2000 में आई फिल्म स्टाइल में साहिल ने चंटू का लीड कैरेक्टर प्ले किया था। इस फिल्म में इनके बॉडी और गुड लुक्स के लिए इन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी थी और उनकी ये पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद साल 2003 में आई इनकी एक और फिल्म एक्सक्यूज मी सुपरहिट रही। इसके बाद साहिल को बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी पहचान मिल गई और एक अच्छे एक्टर के तौर पर पॉपुलैरिटी गेन कर लिए। अपनी पहली दो फिल्में लगातार सक्सेसफुल होने के बाद उन्हें फिल्मों के ऑफर्स आने शुरू हो गए, जिसके बाद साल 2005 में अजय फोनसेकर द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म यह है जिंदगी में काम करने का मौका मिला। साल 2005 में इन्होंने एक और भारतीय ड्रामा फिल्म डबल क्रॉस में एक्ट्रेस नेगर खान के साथ एक्टिंग किया था। अपनी शुरुआती दो फिल्मों से पॉपुलैरिटी पाने के बाद एक ही साल में साहिल की दो फिल्में लगातार फ्लॉप हो गई, जिसके वजह से साहिल के बॉलीवुड करियर को बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि इसके बाद नए फिल्म डायरेक्टर ने उन्हें अपनी फिल्मों में लेने से इनकार कर दिया। साल 2010 में साहिल को आखिरी बार फिल्म रामादी सेवियर में काम करते हुए देखा गया था। यह फिल्म एक्शन एडवेंचर जैसे सीन से भरा हुआ था और इस बार उनके साथ WWE के रेसलर दी ग्रेट खली और एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता को एक्ट्रेस के रूप में कास्ट किया गया था, लेकिन यह फिल्म भी ऑडियंस को पसंद नहीं आई और बुरी तरीके से फ्लॉप रही। इसके बाद ही साहिल ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और एक अलग बिजनेस स्टार्ट किए। साल 2016 में साहिल खान ने फिटनेस इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू किया और गोवा में अपना पहला ओपन जिम खोला। इसके बाद उन्होंने साल 2017 में एक यूट्यूब चैनल खोला जहाँ पर वो फिटनेस लाइफ स्टाइल से रिलेटेड ब्लॉग अपलोड करते हैं। इस जिम की सफलता के बाद उन्होंने अहमदाबाद में अपना दूसरा ओपन एयर जिम खोला। उनके जिम में बहुत ही महंगी मशीनें आपको देखने को मिल सकती है। अभी तक साहिल खान लगभग 11 जिम खोल चुके हैं जो काफी महंगी और लग्जरी फील देने वाली होती है। तो चलिए अब बात करते हैं साहिल खान के पर्सनल लाइफ और अफेयर्स की। तो आपको बता दें साहिल खान ने एक्ट्रेस नेगर खान से 21 दिसंबर 2004 को शादी की थी और इनका शादी ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाया और एक साल के बाद ही जुलाई 2005 में इनका डाइवोर्स हो गया। वही अगर बात करें इनके टोटल नेटवर्थ की तो बता दें साहिल खान के पास टोटल 300 करोड़ से भी ज्यादा का नेटवर्थ है जिसे साहिल ने अपने जिम के बिजनेस से अर्न किया है। इसके अलावा साहिल के पास 5 से 6 प्राइवेट जेट और लग्जरीज कारें हैं। इनका मुंबई, गोवा और दुबई में भी शानदार घर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।